हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। तो आज मैं आपको वेस्ट मटेरियल की मदद से पूतना बनाना सिखाऊंगी, जो हम जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए जो पूतना वध की झांकी बनाएंगे ना, उसमें यूज़ करेंगे। और एकदम वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इसको बनाने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, ख़राब खाली हुए स्केच पेन्स, इनका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं किसी गुड़िया का यूज़ नहीं कर रही हूँ, पूतना का पूरा स्ट्रक्चर मैं खुद आपको इन चीज़ों से बनाना सिखाऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे इसके लिए मैंने प्लास्टिक बॉटल ली है, जिसका इतना हिस्सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उस हिस्से पे मैंने निशान लगा लिया है गाइज। और अब यहाँ पे नाइफ या कटर आप कुछ भी ले सकते हैं, उसकी मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ पे आपको जितनी बड़ी छोटी पूतना बनानी हो, उस हिसाब से आपको प्लास्टिक बॉटल लेना है। तो मैंने ये हिस्सा देखिए कट करके निकाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं ये खाली एकदम ख़राब से स्केच पेन्स, जिनका मैं यूज़ करूँगी इसके बॉडी का पार्ट वगैरह बनाने के लिए। तो जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है, मैंने इतनी दूर पे निशान लगाया है, इसको भी यहाँ पे मैं कटर से कट कर लूँगी। और गाइस, यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, स्केच पेन की रिफिल्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम इस पूतना के पैर बना लेते हैं, जिसके लिए कार्डबोर्ड के ऊपर आपको फुट प्रिंट्स जो होते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये देखिए, थोड़े बड़े बनाइएगा गाइस। यहाँ पे देखिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया, अब सीजर से हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। अब स्केच पेन का इतना हिस्सा यहाँ पे मैंने पैर बनाने के लिए लिया था, जिसको मैं इसके साथ जोड़ रही हूँ। तो एकदम बैक साइड पे ग्लूगन लगाते हुए आपको कुछ इस तरीके से इसको जोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पे भी मैं ग्लूगन लगा लेती हूँ। तो गाइज, ये वाला भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और इसी के साथ ये पूतना के पैर तैयार है, जिनको हम कुछ इस तरीके से बॉटल के अंदर की तरफ लेते हुए ज्वाइन करेंगे। इसलिए मुझे जो हिस्सा एक्स्ट्रा लग रहा था, उसको मैंने कट कर दिया था, ताकि मैं इसके पैर भी इजीली जोड़ सकूँ। तो ये देखिए गाइज, ये हमने इसके यहाँ पे पैर भी जोड़ लिए। नेक्स्ट, ये एम्प्टी फेविकॉल का मेरे पास बॉटल था, जिसका कैप मैंने ले लिया है, और इससे हम इसकी नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे एकदम बीचों बीच मैंने ग्लूगन अप्लाई कर दी, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। और ये जो रिफिल है ना गाइज, इसका हम इस्तेमाल करेंगे पूतना के हाथ बनाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेते हुए मैं इसको जोड़ने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से दोनों तरफ हम इसको जोड़ लेंगे। और इतना बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हो गया। नेक्स्ट, अब इसके हाथ बनाने हैं। तो कार्डबोर्ड पे जैसे हमने पैर ड्रॉ किए थे, वैसे ही आपको हाथ ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे ग्लूगन की मदद से इसको हम जोड़ लेंगे। अब हमें ग्लूगन को अप्लाई करके कार्डबोर्ड के हैंड्स को जोड़ देना है। पूतना का फेस बनाने के लिए मैंने इस तरीके से एक बॉल ले ली है। यहाँ पे आप भी कोई भी इस टाइप की बॉल ले सकते हैं, और ये आपके बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि बाकी बॉडी आपने कितनी बड़ी छोटी बनाई है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे बॉल लगानी है। पेपर के पीसेस भी, ये जो स्केच पेन की रिफिल थी ना, वहाँ पे मैंने जोड़ दिए, ताकि हाथ इसके मजबूती से चिपके हुए रहे। नेक्स्ट, यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक एक्रेलिक पेंट यहाँ पे हमने लिया है, और इनको मिक्स करके पूतना की बॉडी पे पेंट करेंगे हम। एक ग्रे का शेड यहाँ पे तैयार करेंगे। तो मैंने एक कंटेनर लिया है, जिसमें फ्लैट ब्रश का यूज़ करके मैं ऐड कर रही हूँ बहुत सारा वाइट, और इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा ब्लैक, जिससे हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रे का शेड मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बॉटल से हल्का सा ब्लैक निकाल लेती हूँ, इसको हम इस वाइट में मिक्स कर लेंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैंने शॉर्ट आउट्स को भी इंक्लूड किया है। पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप सबसे, उसका आंसर जिन 10 लोगों ने सबसे पहले दिया है, उनका नाम भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा गाइज। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से पूरे इसके बॉडी स्ट्रक्चर पर हमें पेंट करना है अच्छे से। और गाइज, यहाँ पे ग्रे कलर ना आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। मुझे जिस हिसाब से सही लग रहा था, मैंने उतना ब्लैक इसमें ऐड करके इसको तैयार किया है। वैसे मैंने इसको डार्क ही लिया है, आप चाहें तो इससे भी डार्क ले सकते हैं, या चाहें तो इससे लाइट भी ले सकते हैं। और इस तरीके से मैं पूरे को पेंट कर लेती हूँ, उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कान्हाजी और कालिया नाग वाली झांकी बनाना सिखाया था जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए। उस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और उस क्वेश्चन का सही आंसर जिन 10 लोगों ने सबसे पहले दिया है, उन सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से मिलता है शॉर्ट आउट। तो ये है वो नाम, वीना विक्रम गोयल जी, पुनीत कौशिक जी, प्रणव खन्ना जी, पूनम रुहेला जी, लक्ष्मी चौधरी जी, कल्याणी जी, शिवांगी जोशी जी, भारती जी, शीतल मिश्रा जी, रिया जी। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप सबने एकदम करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो चलिए गाइज, फिर हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पूतना को अच्छे से पेंट कर लिया था, अब इसको हम आउटफिट वेयर करवाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इस टाइप का फैब्रिक लिया है, बहुत ही डार्क कलर का, और इस पर ये हमने लेस लगा दी।
और इसका ब्लाउज वगैरह था उसके लुक के लिए मैंने सेम फैब्रिक की दो पट्टियां कट की है। यहाँ पे कोई भी थोड़ा डल सा दिखने वाला फैब्रिक आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डार्क ये ब्लैक, एकदम डार्क नेवी ब्लू, ब्राउन, उस टाइप के कलर्स में जो भी आपके पास फैब्रिक हो ना वो आप ले सकते हैं। मेरे पास भी इस तरीके का एकदम डार्क में फैब्रिक था जो मैंने यूज़ किया है। अब इसको ब्लाउज ऐसे वेयर कराएंगे गाइज, दो पट्टियाँ आपको सिंपली यहाँ पे जोड़ देनी है। ग्लूगन से मैं इनको स्टिक कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक बूटी भी लगा देती हूँ यहाँ पे, जो मैंने कट की थी एम्ब्रॉयडरी वाली बूटी है, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी चाहें। नेक्स्ट गाइस, पूतना के बाल बनाने के लिए कार्डबोर्ड लिया है जिसके ऊपर मैं ऊन को इस तरीके से रोटेट करूंगी। यहाँ पे अगर किसी के पास वूल नहीं हो तो आप चाहें तो जो ब्लैक कलर में स्टिचिंग थ्रेड आता है वो भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 30-40 टाइम्स इसको इस तरीके से रोटेट करना है। मैं सीजर से कट कर लेती हूँ, इसको हम कार्डबोर्ड से बाहर निकाल लेंगे। फिर मैंने एक ऊन का छोटा पीस यहाँ और कट किया है जिससे मैं इसको एकदम बीचों बीच से कुछ इस तरीके से टाई करूंगी। यहाँ पे 3 से 4 आप लोग नॉट्स लगा दीजिएगा, ये अच्छे से टाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कार्डबोर्ड उतना बड़ा लेना है जिसपे आप रोटेट करेंगे ना वूल, वो आपको अपने बालों की लेंथ जितनी रखनी है उस हिसाब से लेना है। तो ये किस तरीके का रेडी हो गया। थोड़ा सा मैं इसको सीजर से स्प्रेड कर देती हूँ ताकि थोड़ा खुल सा जाए ये। और अब इसको कुछ इस तरीके से रखते हुए हम ग्लूगन से पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, अब हम पूतना का फेस मेकअप करते हैं जिसके लिए मैंने वाइट, रेड और ब्लैक एक्रेलिक पेंट लिया है। सबसे पहले यहाँ पे आईज बनाने के लिए वाइट पेंट से आपको इस तरीके की शेप में यहाँ पे इसके फेस पे ड्रॉ करना है सिंपली। तो आईज थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी बनाइएगा और इसका फेस मेकअप जितना आप अजीब करेंगे ना उतनी ये रियल पूतना दिखने वाली है। तो अब इसके यहाँ पे हमने ये आईब्रोज बना दिए, नोज भी मैंने इसकी बना दी इस तरीके से पेंट को ऐसे करते हुए। और अब ब्रश के बैक वाले साइड से इसकी आंखें बना देते हैं बड़ी बड़ी। तो ये देखिए, अब इसके हम लिप्स बनाएंगे जिसके लिए मैंने रेड पेंट लिया है और इसको मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी पूरे में। यहाँ पे आपको भी इसको ऐसे फैला देना है कुछ इस टाइप से किनारे वगैरह से। और अब इसके बाद इसके दांत यानी कि टीथ बनाने के लिए मैंने ये वाइट एक्रेलिक पेंट लिया है। ब्रश के पीछे वाले हिस्से से हम इसके टीथ भी बना लेते हैं। ये देखिए गाइज, ये पूतना का यहाँ पे फेस मेकअप तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैंने ये मल्टीपल कलर की बीड्स की एक माला तैयार की है जो मैं इसको पहना रही हूँ यहाँ पे। आप भी कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी टाइप के मोती आपको मिल जाए घर में। इसके अलावा गाइज, बाकी ज्वेलरी के लिए आप कोई भी डार्क कलर की थोड़ी सी डल सी दिखने वाली बॉल चेन ले लीजिएगा जिससे आपको इसकी ज्वेलरी बनानी है। तो मैं इसके हाथ पे इस तरीके से बॉल चेन को घुमा दूंगी और ये हाथों पे हमने पहना दिया। पैरों पे भी सेम यही मेथड है, मैंने यहाँ पे फेविकॉल अप्लाई किया है और बॉल चेन को इस तरीके से गोलाई में हम घुमाते रहेंगे। तो इसके साथ ये पूतना तैयार हो जाएगी जो जन्माष्टमी पे पूतना वध की झांकी के लिए हम यूज़ करेंगे। तो गाइज, इससे पहले हमारी जन्माष्टमी सीरीज में मैंने आपको कान्हा जी का बगीचा, गौशाला, नंद महल यानी कि नंद जी और यशोदा माता का घर, इसके अलावा संगीत सम्मेलन की कान्हा जी की झांकी, कालिया नाग और कान्हा जी की झांकी, बहुत कुछ मैंने आपको बनाना सिखाया है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें रोज़ाना इसी तरीके की जन्माष्टमी स्पेशल वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।